Hello dear students, today we start history chapter 5, colonizations and tribal society. तो बेटा मैंने चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ आर स्किप्ड, ये जो चैप्टर थर्ड है हिस्ट्री का और फोर्थ है उसको स्किप कर दिया है. उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं उसको बस आपको स्टडी करना है. देख लीजिएगा आप जो रॉलेट एक्ट है, आपका चार्टर एक्ट है, उसका जो डेट है वही आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए. आपके चैप्टर थर्ड में, चैप्टर फोर्थ में आपके जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है उसका जो डेट है, महलवारी जो सिस्टम है, रोटवारी जो सिस्टम है, ये कब कब इंट्रोड्यूस हुआ उसी को डेट को याद रखना है. बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए जो क्लासेस में हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन एंड ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी के रूप में आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास जो ट्राइबल एरिया है, हम जनरली हमारा जो एरिया है बस्तर, जो हम जहाँ गीदम दंतेवाड़ा की बात करते हैं, बस्तर जो डिवीज़न की बात करते हैं, ये तो ये आपका जो ट्राइबल बेल्ट आता है. देन तो ऐसे और बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया थे, हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें उस पीरियड में, तो कॉलोनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है, जिसमें कॉलोनीज में क्या होता है. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कॉलोनीज़ यानी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, अदर जो कंट्रीज़ है, वो किसी दूसरे कंट्रीज़ में डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जाकर वो अपना जो क्या करते हैं, सेटअप शासन चलते हैं, वहाँ पर जो रहते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो कहलाता है वहाँ पर कॉलोनीज़. तो दैट नेक्स्ट जो आता है कि जो ट्राइबल पीपल्स लिव इन कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स, दे लेड अ लाइफ दैट इज़ क्लोजली इंटरवूवन विथ एंड डिपेंडेंट ऑन नेचर. हाउएवर ट्राइबल पीपल आर केयरफुल नेवर टू ओवर एक्सप्लॉयट नेचर. ट्राइबल पीपल वोंट लैंड कलेक्टिवली, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न ओवर द लास्ट 2 years, इंडिया हैज़ अ साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन. दे आर कॉल आदिवासी आर द ओरिजिनल सेल्टर. तो यहाँ पर अब आया कि जो ट्राइबल जो पीपल्स है जनरली वो कम्युनिटी में लिव करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, और उनका जो लाइफ है जनरली वो किससे, नेचर से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड उनसे, क्योंकि जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं जनरली आपके फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो जनरली नेचर पर डिपेंड रहता है, और इसी कारण से वो क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लोर्ड नेचर को नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफ है उसी नेचर पर डिपेंड रहता है, और उनके पास जो लैंड है वो जनरली कलेक्टिवली होता है, यानी सामूहिक रूप से जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली उसको यूज़ करते हैं. तो उनके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड वाला जो प्रूफ है ज़मीन का नहीं होता है. तो इसका इसी का जो बैड जो इफ़ेक्ट है या फिर इसी का जो फ़ायदा है कौन उठाए, आपके ब्रिटिश समाज, जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा. सो जो इंडिया में जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इनको जो ट्राइबल जो पीपल जो ट्राइबल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनको कहा जाता है क्या, आदिवासी, या फिर जिसे ओरिजिनल सेटलर भी कहते हैं. देन टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मिडिवियल पीरियड इन इंडिया, दैट इज़ बाय अराउंड 1500, ट्राइबल सोसाइटी हैड स्टार्टेड फॉर्मिंग किंगडम, सम ऑफ विच बिकम पावरफुल लाइक द गोंड किंगडम ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यानी जैसे जैसे समय बीतते गए, टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये जो ट्राइबल जो किंगडम, ट्राइबल जो सोसाइटी है वो भी एक किंगडम के रूप में हुआ, और सबसे मोर जो पावरफुल किंगडम की बात यहाँ पर हम करते हैं तो वो जो आता है आपका गोंड किंगडम, जिसमें आप रानी दुर्गावती को फेमस रूप से जानते हैं, उसका स्टोरी आप पढ़े होंगे. तो ये जो गोंड किंगडम था आपका कहाँ पर बिलोंग करता था, हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया था. यहाँ पर गोंड जो किंगडम है, जो ट्राइबल में जो ट्राइबल जो किंगडम था उसका मोस्ट पावरफुल किंगडम था. देन हाउएवर द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ आदिवासीज कंटिन्यू टू लिव डीप इनसाइड फॉरेस्ट, प्रैक्टिसिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग और हार्डिंग.
The Mughals left them largely undisturbed as long as the Adivasis paid a nominal amount of money to show their allegiance to them. अब जो जस्ट हम बात करें जो गोंड किंगडम था उसके अलावा और बाकी जो आदिवासी जो ट्राइबल जो सोसाइटीज है जनरली वो अभी भी जो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट जंगलों में ही रह रहे थे, जंगलों के अंदर रह रहे थे और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ था। जैसे उनका पुराना जो आदिवासी वाला जो लाइफ स्टाइल चलता था, जंगलों से फल फूल इकट्ठा करना, गैदरिंग है, फार्मिंग है, हार्डिंग है, पशुओं को पालना, खेती बाड़ी करना, तो नॉर्मली ऐसे लाइफ स्टाइल चल रहा था और ब्रिटिश भी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते रहे थे। जब तक वो उनको नॉमिनल जो फीस है, जो भी आपका जो टैक्सेस है, रेवेन्यू देना है, वो देते रहते थे, तो ब्रिटिश भी उतने ज़्यादा उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किए। फिर बाद में समय के अकॉर्डिंग टू जो ब्रिटिश का जो थिंकिंग है वो भी क्या हुआ, चेंज हो गया और उनके जो चेंजेस हैं, बदलाव भी आए, जो जिसमें आपका कॉलोनीज एंड ट्राइबल पीपल, यानी जो जैसे जैसे ब्रिटिश का जो यहाँ पर पावर बढ़ते गया तो उनका जो ये आदिवासी जो एरियाज हैं उनके देखने का जो नज़रिया है, इसका जो आइज है, वो भी बदलने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइबल जो फ्री सोसाइटीज़ हैं, ट्राइबल में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। जैसे हम छोटा नागपुर एरिया की बात करें तो वहाँ पर वो जो छोटा नागपुर का जो ट्राइबल वेल्थ था वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट से रिच था। बहुत सारे जो हम बस्तर रीजन की बात करें, जो बस्तर जो रिवॉर्ड्स हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो टीक और जो साल के जो ट्रीज हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल थे, जिस कारण से जो ब्रिटिश का जो इंटरफेयर है इस जो फॉरेस्ट एरिया में होने लगा और जो पीसफुल जो लाइफ स्टाइल था आपका जो ट्राइबल सोसाइटी का वो डिस्टर्ब होने लगा, जिससे जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। तो इसको हम जो इसी के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।